Let's start our class, class 7th subject, computer. Today, our topic is generation of programming languages. आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बताया था. आज हम लोग जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री दीज ऑब्जर्वेशन आर वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट मेजर स्टेप और जनरेशन इन द रिवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास प्रमुख स्टेप्स या जनरेशन पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करने के लिए इन संक्षिप्त रूपों का व्यापक रूप से यूज किया जाता है. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और फर्स्ट जीएल और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज वाज एंड स्टिल इज मशीन लैंग्वेज और द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा द प्रोसेसर इज एक्चुअली गिवन टू वर्क ऑन विच इन कन्वेंशनल computers is the string of 0 and 1. First GL या first generation language जो होती है machine language या instructions और data का स्तर होती है जो processor को वास्तव में काम करने के लिए दिया जाता है, जो कि conventional computer में 0 और 1 तक होती है. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज 2GL और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज अ रूल लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो होती है वो रूल लैंग्वेज होती है. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है? एक रूल लैंग्वेज है. ब्रैकेट में आपका दिया समथिंग कॉल्ड असेंबली. कभी कभी इसे क्या कहा जाता है? असेंबली भी कहा जाता है. अ टिपिकल सेकेंड जीएल इंस्ट्रक्शंस लुक लाइक दिस. जो सेकेंड जनरेशन इंस्ट्रक्शंस होता है वो कैसे दिखाई देता है? देखिए यहाँ पर एट 12A एंड असेंबलर कन्वर्ट्स द असेंबलर लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इनटू मशीन लैंग्वेज. असेंबलर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट है आपका थर्ड जीएल और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेज होता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. सच एज पीएल और आई सी और जावा. जावा लैंग्वेज स्टेटमेंट्स लुक लाइक दिस. जैसे पीएल सीएल और जावा जो लैंग्वेज होता है उसका स्टेटमेंट कैसे दिखाई देता है? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जो जावा होता है पीएल और आईसी जो लैंग्वेज होता है उसका जो स्टेटमेंट होता है ऐसे दिखाया जाता है. पब्लिक क्लास हेलो पब्लिक स्टैटिक वीडियो मेन स्ट्रिंग सिस्टम आउट प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो देखिए उसका जो स्टेटमेंट राइट होता है वो इस टाइप का दिखाई देता है. अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. अ 3GL लैंग्वेज रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज. एक कंपाइलर जो होता है एक स्पेसिफिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है? स्टेटमेंट को क्या करता है? वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है. मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है. जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स को किस में चेंज करता है? मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है. और जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के लिए कभी कभी नॉलेज की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है. फोर्थ जीएल और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज डिजाइन टू बी द क्लोजर टू नेचर नेचुरल लैंग्वेज देन अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और 3GL लैंग्वेज. लैंग्वेज आर एसेसिंग डेटाबेस आर ऑफन डिस्क्राइब एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट मीट लुक लाइक दिस. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की तुलना में नेचुरल लैंग्वेज के करीब होने के लिए डिजाइन किया गया है. और यह जो होता है डेटाबेस तक पहुंचने के लिए लैंग्वेज को अक्सर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के रूप में क्या किया जाता है?
फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो होता है वह इस तरह दिखाई देता है, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट फॉर्म कस्टमर वेयर टोटल 10,000। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट होता है इस टाइप का दिखता है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग डेट यूजेज अ विजुअल और अ ग्राफिक डेवलपमेंट इंटरफेस टू क्रिएट अ सोर्स लैंग्वेज डेट इज यूजली कंपाइल्ड विथ थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कंपाइलर। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो होता है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक दृश्य या ग्राफिकल डेवलपमेंट इंटरफेस का यूज करती है ताकि इसका जो सोर्स हो वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के साथ संकलित होती है। इसका सोर्स जो होता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के साथ क्या होता है, संकलित होता है। माइक्रोसॉफ्ट ब्रोलैंड IBM एंड अदर कंपनीज मेक 5GL विजुअल प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस इन जावा। फॉर एग्जांपल विजुअल प्रोग्रामिंग अलाउ यू टू इजीली इनविजन ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेंड प्रोग्रामिंग क्लास हेरियंजेस एंड ड्रैग आइकॉन्स टू असेंबल प्रोग्राम कंपोनेंट्स। बोलैंड IBM एंड जो अदर कंपनियां होती हैं जावा में एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए फाइव जनरेशन लैंग्वेज विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। उदाहरण के लिए एग्जांपल में आप देख सकते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आसानी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास पर पदानुक्रम की कल्पना करने में और प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को कलेक्ट करने के लिए माउस को खींचने की अनुमति देता है, यानी कि माउस को खींचने की आपको माउस को खींचने के लिए क्या करता है, आपको अनुमति देता है। मतलब कि ये जो होता है फाइव जनरेशन लैंग्वेज में ये आपको माउस को ड्रैग करने के ही परमिशन आपको देता है। तो आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर हो रहा है। आज का आपका होमवर्क है, आप जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस जनरेशन का स्टेटमेंट कैसे होता है, कैसा दिखता है, इसको देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।